अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वेल, सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं एक छोटा सा मतलब सेलिब्रेशन करूंगी, तो मैं बनाने जा रही हूँ ओरियो केक। और ये आइडिया मुझे दिए थे मेरी फ्रेंड ने, तो उसके लिए मैंने कुछ ओरियो के पैकेट्स लिए हैं, तो मैंने ये दो लिए हैं और डेकोरेटिंग के लिए कुछ बंटीज। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन ओरियो के जो इन ओरियोज को बाहर निकाल लेते हैं, तो मैं इनको निकाल लेती हूँ। तो ये मैंने लिया है, ओके। अब मैं दूसरा पैकेट ओपन कर लूंगी। हो गया। तो अब हमें करना क्या है कि इनको क्रश कर देना, तो मैं इनको क्रश करती हूँ। क्रश किससे करूँ, मैंने तो सोचा ही नहीं, सो इसको मैं कर लेती हूँ। तो मैं गुटके जो भी होता है ऐसे कहते हैं उससे इसको क्रश कर दूंगी। और अगर आप लोगों ने क्रशिंग मशीन से करना है तो आप उससे भी कर सकते हैं, मैं वो नहीं कर सकती भी, मुझे आती नहीं है करनी, तो बस मैं नहीं कर रही। तो जब तक ये क्रश होता है तब तक मैं आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी कम लग रहा था मुझे, मुझे ज़्यादा बनाना है, मुझे डर लग रहा है कि घर में, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कुकिंग कर रही हूँ, मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कैसा बनेगा। मेरी फ्रेंड भी नहीं है, मम्मा बहुत बिजी है, वरना वो मेरी हेल्प कर देती हैं। तो अभी मैंने उससे एक और मंगवाया है, ठीक है। तो मैं आपको, आप लोग मेरे लिए दुआ करो मैं सही बनाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या बनेगा। तो मैं इसको अच्छे से क्रश करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करो। अभी तक वो लेकर आया नहीं है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से, आप देख सकते हो, फ्लैश इन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे इसको क्रश कर दिया और क्रीम मैंने निकाली नहीं थी, क्रीम को मैंने साथ ही क्रश कर दिया था। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा हो गया। तो जब तक वो आता है तब तक मैं आपको मिलती हूँ। तो मैंने एक और मंगवा लिया है, और वो बड़े, मैं खिड़की से देख रही थी, इतनी तोड़ तोड़ के ला रहा था ना वो, लाइक ज़मीनों पर फेंक रहा था, और कितना टूट गया ये। अभी मुझे इसको भी करना है, ये मुझे काफ़ी कम लग रहा था, मैंने तीन मंगवा लिया। तो अब मैं इसको क्रश करके मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा जो है क्रश कर लिया है एंड अच्छे से कर लिया। और अब हमें इसमें क्या करना है, अगर सही बने तो ये, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिल्क ले लिया है, तो सॉरी पता नहीं कितना है, बट मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आप लोग ऑलपर्स वगैरह ले इस तरह से ले रहे हो तो आप वो भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर गाय का ले रही हूँ। लग रही सही क्रश नहीं हुआ जिसको, पता नहीं यहाँ मुझसे बनेगा भी या नहीं, लेकिन मैं बना रही हूँ ये। और डाला है मैंने इसको, अगर ये काफ़ी ज़्यादा होता तो मैं इसे बीटर से करती, लेकिन ये अब बहुत कम है जिसकी वजह से इसको बीटर से नहीं बीट कर रही। सो इस तरह से ये हो गया है, मुझे लग रहा है कि अभी हो जाएगा। मैं इसको अच्छे से निकाल लेती हूँ, हैंड्स वॉश कर रहे हैं मैंने, कोई जम्स ना लगे, फिर से वही काम। अच्छे से मैं निकाल लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया।
जैसे आप देख रहे हो ना। तो अब हम इसको अच्छे से ना रख देते हैं, अगर बन गए तो टेस्ट ना करना तुम फिर। इसको सेट कर देती हूँ, ठीक है। आई थिंक सर मुझे इसे कप में निकालना चाहिए। तो मैंने इसे कप में निकाल लिया, अब मैं इसे माइक्रोवेव में रख दूंगी कुछ सेकंड्स के लिए। तो मैं 43 सेकंड्स के लिए इसको माइक्रोवेव में बेक कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये बन चुका है काफ़ी अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ, देखें। तो काफी ये सॉफ्ट बनी है। मैं से निकालूंगी बाहर, निकलेगी या नहीं मुझे नहीं पता। इसको किसी तरीके से निकालती हूँ, मेरा फर्स्ट बेकिंग एक्सपीरियंस है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो अभी मैं इसे यहाँ से डेकोरेट करूँगी। मुझे लगता है कि काफ़ी फ़नी वीडियो बनी है, क्योंकि आप लोग मुझे पता है हंस रहे होंगे ये मैंने कितने फ़नी तरीके से बनाई है, लेकिन बनी का बहुत अच्छी है, बनी बहुत अच्छी है। तो हम इसे खा के देखेंगे। तो पहले आप लोगों के लिए हैप्पी 100 सब्सक्राइबर्स, बाय।